वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अब ठीक हूँ थोड़ा सा। जब कोई हमारे से प्यार से बात करता हम ये तस्वीर उतार लेते हैं, ठीक है, साथ ही अल्लाह करने लग जाते। छुरी थल्ले करो ना। और छुरी थल्ले करांगे तो साडा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। आगे भी हमने छुरी जरा कम तेज कराई थी तो वो हमें लग गई थी उल्टी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। नाज़रीन मैं इस वक्त लाहौर हाल रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ एक भाई हैं ताजर भाई, और ये ताजर भी हैं और फ़नी भी हैं, तो इनसे जानते हैं मार्केट का हाल और ये इतने लेट क्यों आते हैं लोरिए, और इनसे रास्ता पूछा जाए तो सही नहीं बताते, काफ़ी सारी कमज़ोरी हैं इनमें, तो इनसे जानते हैं ये क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अब ठीक हूँ थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं इतना लेट क्यों आते हैं आप सुबह? वो हमारे जो छुरे टोके हैं ना वो गोश मार्केट है यहाँ पे स्टेशन के बाद, वहाँ पे दिए होते हैं, वो तेज होंगे तो हम काम करेंगे। अच्छा वो तेज करवाने के लिए दे जाते हैं? तो यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और वो कहने का मतलब कहते हैं हमें काटो, तो वो अभी जब तक छुरा तेज नहीं है टोका तेज नहीं होगा तो हम ऐसे कटेंगे, इसलिए उनको बड़े तरीके से काटना पड़ता है। अच्छा ईद आ रही है, इधर तो रश होना चाहिए, इधर इतना रश नहीं है, अब क्या वजह? दरअसल मार्केट बहुत ठंडी हो गई है, हालात बहुत खराब है, चीजों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोग यहाँ चीजें लेने आते ही नहीं है। तो छुरी थल्ले करो ना। और छुरी थल्ले करांगे तो साडा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। वो जो छुरी आपने टोके छुरी दी है तेज कराने के लिए वो नीचे करे ना, वो अगर हम नीचे करते हैं तो हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, हमारे कराए आगे भी हमने छुरी जरा कम तेज कराई थी तो वो हमें लग गई थी उल्टी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इधर किसी भी लाहौरिये से रास्ता पूछा जाए तो वो सीधा नहीं बता, मायने ये इधर को आए जाना आए को जाना आए जाना, वो जो ये क्यों करते हैं? के लाहौर के लोग हैं ना वो इसलिए रास्ता ऐसे बताते क्योंकि गूगल में और हमारे में फर्क कोई नहीं है। गूगल भी आपको कभी सीधा लेके नहीं जाएगा, घुमा के लेके आएगा, क्यों? कि आपको लगे पता कि हम यहाँ पे सैर करके गए हैं। गूगल का पता है ना, वो अगर सिग्नल ना हो तो एक ही दफा दस दस चक्कर बनवा देते हैं। वो इसलिए गूगल चक्कर लगवाता है, वो कहता है कि किसी के दिल में ये ना आए कि हम लाहौर गए थे तो सैल नहीं की, इसलिए हम कोई भी आता हम उसको सैल करवाते हैं कि इधर से वहां जाए, जाना जाना साथ ही दुकान पे है, हम उसको कहते हैं घूम के जाएंगे ना उधर से घूम के इस तरफ आ जाए, आना वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं या बहुत ज्यादा समझदार होते हैं या ना समझ होते हैं, फिर उनको हम कह देते हैं कि भजन घूम के इस तरफ आ जाओ। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं सबको ये दूंगा, जो भी आए यहाँ पे प्यार प्यार मोहब्बत से काम ले, अपना चलाकियाँ होशियारियाँ यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे पहले टोके छुरे लेके बैठे हैं बाद में आपने क्योंकि और बात सुने, हमारा एक असूल है जब कोई हमारे से प्यार से बात करता हम ये तस्वीर उतार लेते हैं, ठीक है, साथ ही अल्लाह करने लग जाते। अगर कोई गलत बात करेगा हम तस्वीर गले में पहन लेंगे, हम कहेंगे अब नीचे का नहीं होना, हाँ बस हमारे से वो भी देखा नहीं जाता, हम शरीफों के साथ शरीफ हैं बस, और जो पुआनों के साथ हम पहलवान हैं। भाई की आपने फनी गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की, इसके साथ ही अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें, देखते रहिए पाकिस्तान पब्लिक टीवी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।